Hello everyone, I am Soumya Agarwal and not taking much of your time, I am here with a very important topic and that is a very very important amendment in your paper number 2, that is of Corporate and Other Law CA Inter. If you have prepared from the institute material, section number 132, if you will look at it, you will find it that it was written yet to be notified, and in the RTP it is notified. So this NFRA, that is your National Financial Reporting Authority, this is very very important. So I am here with its explanation, so without wasting your time, let's start with it. Okay, so what is National Financial Reporting Authority? See, it is an authority that is constituted by central government, and what does it provide? It provides matters that are related to accounts and auditing standards. So ek aisi authority hai, National Financial Reporting. What do you mean by financial reporting? This you are going to learn in CA finals, FR. So what is it? Ye deal karta hai basically aapke accounting se and auditing se. तो ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है, एक अथॉरिटी बनाई है जो कि हमें बताती है जो भी मैटर्स हमारे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है. यू ऑल नो कि अकाउंटिंग में भी हमारे इतने सारे अकाउंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में भी. तो ये वही अथॉरिटी है जो उसको गाइड करती है. नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स, द एन एफ आर ए, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एन एफ आर ए, ये क्या करती है? रिकमेंडेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को. सी, अब अथॉरिटी है, आप किसी ऑफिस में जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, सो यू विल फाइंड कि एम्प्लॉयज़ का सजेशन भी ओनर्स को मिलता है. सिमिलरली ये अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, एंड ये अथॉरिटी क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है. किस बात की रिकमेंडेशन देती है? रिकमेंडेशन यू कैन ऑल्सो कॉल इट सजेशन, कि क्या फॉर्मुलेशन ऑन द फॉर्मुलेशन एंड लेइंग डाउन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एडॉप्शन बाय कंपनीज, की मतलब कंपनीज को या क्लास ऑफ कंपनीज को क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड क्या ऑडिटिंग पॉलिसीज अपने ऊपर अप्लाई करने चाहिए. फिर सेकेंडली, इस अथॉरिटी का काम क्या होता है? मॉनिटर करना एंड एनफोर्स करना कि जो भी हमारी वर्किंग्स हो रही हैं कंपनीज़ में, वो हमारी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं या नहीं. मॉनिटर मींस टू चेक, एंड क्या चेक करती हैं, और अगर नहीं हो रहा होता है उसमें उसके अकॉर्डिंग काम, तो वो एनफोर्स कर देती हैं. एनफोर्स मतलब होता है उसको इम्प्लीमेंट करना. तो वो अगर कंपनीज़ में उनको लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? उसको एनफोर्स कर देते हैं. थर्डली, ये क्या करते हैं? क्वालिटी ऑफ सर्विस देखते हैं प्रोफेशंस के, जो कि एसोसिएटेड हैं विद इंश्योरिंग कंप्लायंस विद सच स्टैंडर्ड्स एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड सच अदर रिलेटेड. ओके, इट इज़ ऑन द नेक्स्ट पेज. सी, फर्स्टली तो वो क्या करती हैं? रिकमेंडेशन करती हैं. सेकेंड, मॉनिटर एंड एनफोर्स करती हैं. थर्डली, वो क्या करती हैं? क्वालिटी ऑफ सर्विस देखती हैं प्रोफेशंस जो कि एसोसिएटेड हैं. अब उस क्वालिटी ऑफ सर्विस में वो क्या देखेंगी? ऑब्वियसली यही देखेंगी कि वो स्टैंडर्ड्स किस हद तक फॉलो हो रहे हैं, सो एज मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. एंड अगर नहीं होते हैं, तो वो क्या करती हैं? सजेशंस देती हैं कि आप अपने प्रोफेशन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. एंड प्रोफेशन की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होती है? बाय इम्प्लीमेंटिंग दी स्टैंडर्ड्स, परफॉर्म सच अदर फंक्शंस रिलेटिंग टू क्लॉजेज ए बी सी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. और जो भी क्लॉजेज हमारे हैं ए बी सी, उसके उससे रिलेटेड जो कोई और अदर फंक्शंस होते हैं वो देखते हैं. द एन एफ आर ए शेल कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें कौन कौन आता है? चेयरपर्सन आते हैं, हु शेल बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस एंड हैविंग एक्सपर्टीज इन. वो चेयरपर्सन के पास क्या क्या एक्सपर्टीज होना चाहिए? अकाउंटेंसी की, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल
फाइनेंस और लॉ टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एंड इस चेयरमैन के पास में इन सब का एक्सपर्टीज होना चाहिए एंड सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15. एंड चेयरपर्सन के साथ ही में अदर मेंबर्स होते हैं जो कि 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम मेंबर्स. वो मेंबर्स पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, फुल टाइम भी हो सकते हैं. अब इसी के ही फॉर्मेशन में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगेन है, सो प्रोवाइड दैट प्रोविजंस है हमारे क्या क्या हैं. दैट द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एंड मैनर है चेयरपर्सन को अपॉइंट करने का, वो कैसा होना चाहिए, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब जैसा भी आपके प्रोविजंस में आपके लॉ में लिखा है वैसा. Provided further that the chairperson and members shall make a declaration to the central government in the prescribed form. अब declaration क्यों दी जाती है, ये हम लोगों ने बहुत सारे उसमें पढ़ा है. ये इसलिए दी जाती है so that हमारे पास एक evidence हो कि जो भी person appointed है वो अपनी मर्जी से appointed है, कहीं से कहीं तक वो offence नहीं हुआ है. तो वही है, वो declaration देता है central government को जो भी prescribed form होता है, so that कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ना हो, अपनी मर्जी से वो आया हो. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नाउ थर्ड प्रोविजन भी है कि जो चेयरपर्सन है जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है NFRA के साथ में, वो, अब ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ. ओके, तो ये क्या होना चाहिए, अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, शेल नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी अदर ऑडिट फर्म, विद एनी ऑडिट फर्म इंक्लूडिंग रिलेटेड कंसल्टेंसी फर्म्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट. मीन्स अगर वो NFRA के साथ में एसोसिएटेड है तो वो कहीं और किसी और ऑडिट फर्म में नहीं होना चाहिए. एंड टू ईयर्स आफ्टर द सीजिंग टू होल्ड सच एम्प्लॉयमेंट, सीज यू ऑल नो, जब वो उसका जो टाइम पीरियड है उसके अपॉइंटमेंट का वो ओवर हो जाता है, उसके भी टू ईयर्स के बाद तक भी वो नहीं हो सकता है किसी और ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएटेड. नाउ अगेन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स, the NFRA authority shall have the power to investigate either suo motu or on a reference made to it by a central government. Notwithstanding anything का मतलब ये होता है कि हम उसको कहीं से कहीं तक offence नहीं कर रहे हैं, वो साइड में रखकर हम इस बात को देख रहे हैं. तो इन्होंने ये बोला है notwithstanding anything for the time being in force, जो NFRA है उसके पास में power है suo motu means अपनी मर्जी से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, क्योंकि अथॉरिटी है ये, फॉर सच क्लास ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन टू द मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949. मतलब ये वहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है उन कंपनीज़ में कि वहाँ कोई मिसकंडक्ट तो नहीं हो रहा. यहाँ पे जो बेसिकली बात हो रही है बाय एनी मेंबर और फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब वो वहाँ जाकर ये चेक करेगी कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1947 से जो एसोसिएटेड है, दैट मीन्स कोई भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉर्म है वो कहीं मिसकंडक्ट तो नहीं कर रही है जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ में. फिर हमारा है प्रोवाइडेड दैट नो अदर इंस्टीट्यूट और बॉडी शेल इनिशिएट और कंटिन्यू एनी प्रोसीडिंग्स इन सच मैटर्स ऑफ मिसकंडक्ट वेयर द NFRA हैज इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस. मतलब ये कि जहाँ पे NFRA आ गई वहाँ फिर कोई और इंस्टीट्यूट या कोई और बॉडी शेल, नो अदर इंस्टीट्यूट और बॉडी शेल इनिशिएट और कंटिन्यू एनी प्रोसीडिंग्स, जहाँ NFRA की प्रोसीडिंग्स चल रही है, जहाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहाँ किसी और बॉडी की प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए. इसके बाद में सेम पावर्स होंगी जैसे कि सिविल कोर्ट के पास में होती है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर. वाइल ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स, नेमली जब सूट फाइल होगा तो वो उस केस में उसके पास में सेम पावर्स होंगी जैसे सिविल कोर्ट के पास में होती हैं. क्या पावर्स होंगी कि डिस्कवरी एनी प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो कोई भी प्रोडक्शन करवा सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का या जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए एट एनी सच प्लेस एट सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय NFRA. मतलब उसके पास में पूरी पावर होगी कि वो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कोई और डॉक्यूमेंट जो उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए चाहिए, बिकॉज सूट फाइल हुआ है, बेसिकली कंप्लेन है, तो उसकी वो पूरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी. तो उसको क्या करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी उसको ठीक लगे
वो मंगा सकती है. समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ. अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ. अब इसका ये मतलब हुआ कि मतलब जो भी उसको वहाँ लोग चाहिए होंगे उनकी वो मतलब ये मुझे चाहिए. इन्वेस्टिगेशन करते टाइम कुछ की मैनेजरियल पर्सन्स या और कोई भी पर्सन्स जो भी उसको चाहिए उनको वो अच्छे से बुला सकती है NFRA और उनकी एग्जामिनिंग कर सकती है. फिर इंस्पेक्ट कर सकती है बुक्स रजिस्टर्स या और कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी क्लॉज बी में है एट एनी प्लेस. फिर इशू कर सकती है कमीशन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स. सो ये सब बेसिकली उसको राइट्स मिले हुए हैं लाइक सिविल कोड. फिर उसके बाद में वेयर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड. अब अभी तक तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी. अब जहाँ पर ये बात प्रूफ हो जाती है तो पनिशमेंट मिलेगी. तो ऐसे केसेस में क्या होगा, NFRA क्या कर सकती है, पेनल्टी इम्पोज कर सकती है दैट विल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 5 times ऑफ द फीस रिसीव्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स. मीन्स वो 1 लाख से तो कम नहीं होगी और साथ ही में वो एक्सटेंड हो सकती है 5 times. 5 times किसकी एक्सटेंड हो सकती है, जो भी फीस रिसीव्ड हुई है उनकी गलत हरकतों से. मीन्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑफेंस में या और कोई भी क्राइम अगर उसने पकड़ा है NFRA में. फिर सेकेंडली है नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 10 times ऑफ द टोटल फीस रिसीव्ड. ये 2 limits हैं. या तो वो पेनल्टी जो है वो 1 लाख से कम की नहीं होगी, मीन्स एटलीस्ट 1 लाख एंड विच में एक्सटेंड टू 5 times ऑफ द फीस रिसीव्ड एंड नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 10 times ऑफ द फीस रिसीव्ड. फिर बी पॉइंट इन्होंने दे रखा है डीबारिंग द मेंबर. और वो क्या कर सकती है, उस मेंबर को डीबार मतलब उसको हटा भी सकती है और द फॉर्म फ्रॉम एंगेजिंग हिमसेल्फ और इटसेल्फ फ्रॉम प्रैक्टिस एज मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. मतलब ICAI की वो जो अथॉरिटी है, ICAI जो हमारा एक्ट है उसके उसमें से उस मेंबर को वो डीबार कर सकती है. मीन्स वो फिर ICAI का मेंबर नो मोर, ही विल नॉट बी द मेंबर ऑफ द ICAI. उसको वो वहाँ से हटा देगी. और कब तक के लिए हटा देगी, फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months और सच हायर पीरियड जो कि 10 years तक भी एक्सटेंड कर सकती है वो. और ये जो भी हमारी पेनल्टीज हैं एज पर द पनिशमेंट होगा, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है उन्होंने. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट. अब इसका क्या मतलब है, शेल हैव द सेम मीनिंग असाइन टू इट अंडर सेक्शन 22 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949. एनी पर्सन एग्री बाय एनी ऑर्डर ऑफ NFRA इशूड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 4 मे प्रेफर एन अपील बिफोर द एप्लीटेड ट्राइब्यूनल इन सच मैनर एंड इन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अब इसका यहाँ पर ये मतलब है कि जो प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट है इसका तो सेम मीनिंग होगा जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में है. और जो भी पर्सन एग्रीव्ड हुआ है बाय एनी ऑर्डर ऑफ NFRA इशूड अंडर जो भी क्लॉज सी में हमारा मतलब था उसमें अगर एग्रीव्ड हुआ है कोई भी पर्सन, वो क्या कर सकता है, एक अपील डाल सकता है ट्रिब्यूनल के पास में. मतलब NFRA ने उसको पनिश किया है तो वो क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल के पास में एक एप्लीकेशन डाल सकता है इन सच फॉर्म इन सच मैनर एंड विद सच पेमेंट ऑफ फीस जो भी रिक्वायर्ड होगी. द NFRA रिपोर्टिंग शेल मीट एट सच टाइम्स एंड प्लेसेस एंड शेल ऑब्जर्व सच रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन रिगार्ड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एट इट्स मीटिंग इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. वो क्या करेंगे, फिर NFRA शेल मीट एट सच टाइम्स एंड प्लेसेस, जो भी उसको टाइम मतलब टाइम और प्लेस जो भी उसको रिक्वायर्ड होगा एंड शेल ऑब्जर्व सच रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो भी प्रोसीजर्स होंगे जो भी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी सॉरी अ सेक्रेटरी एंड सच अदर एम्प्लॉयज एज इट मे कंसिडर नेसेसरी फॉर द एफिशियंट परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस बाय NFRA. जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकते हैं, एक सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है और एक एम्प्लॉय भी अपॉइंट कर सकता है जो भी उसको ठीक लगेगा, जिससे वो NFRA की वर्किंग को और भी ज़्यादा एफिशिएंट कर सके. एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द सेक्रेटरी एंड एम्प्लॉयज शैल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ये जो बात के पॉइंट्स हैं ये इतना आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपका मेन था दैट वॉज स्टिल योर
पेनल्टी पोर्शन, फिर उसके बाद में सारे हमारे एडिशनल हैं। इसको इसलिए मैं एक रफ रीडिंग दे रही हूँ। द हेड ऑफिस ऑफ NFRA शेल बी एट न्यू दिल्ली। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो NFRA है वो न्यू दिल्ली में होना चाहिए, एंड NFRA अथॉरिटी में मीट एट सच अदर प्लेस इन इंडिया। मतलब जो हमारा NFRA का जो हेड ऑफिस है दैट शुड बी इन न्यू दिल्ली, लेकिन बाकी जो भी मीटिंग्स हैं वो अपनी कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ पे था ना एक पॉइंट एज में भी प्रिस्क्राइब प्लेसेस, तो मतलब ये कि वो जो प्लेस है वो उन्हीं इंडिया में ही चाहिए, बाकी ज़रूरी नहीं है कि वो हेड ऑफिस में ही हो। NFRA शेल कॉज टू बी मेंटेन सच बुक्स ऑफ accounts and other books in relation to its account in such form and in such manner as the central government may in consultation with comptroller and audit general prescribe. वो NFRA क्या कर सकती है, ऐसी books भी shall cause to be maintained such books of accounts, ऐसी book भी बनवा सकती है जो कि in such form and in such manner जैसा कि prescribe हो comptroller and auditor general करे। The accounts of NFRA shall be audited by the Comptroller and Auditor General. मतलब ये कि NFRA को भी जो हेड करता है दैट इज़ योर Comptroller and Auditor General, तो वो क्या कर सकता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवा सकता है NFRA से एंड अदर बुक्स इन रिलेशन टू इट्स अकाउंट्स इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल प्रोवाइड। फिर वो जो अकाउंट्स होंगे NFRA के वो कौन ऑडिट करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एट सच इंटरवल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सच अकाउंट्स एज सर्टिफाइड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टुगेदर विद ऑडिट रिपोर्ट देयर ऑन शेल बी फॉरवर्डेड एनुअली। और फिर वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या करेगा, उसको NFRA को फॉरवर्ड कर देगा। National Financial Reporting Authority shall prepare in such form and in such time for each financial year as may be prescribed. एक annual report वो prepare करेगा giving full accounts of activity during the financial year and forward a copy thereof to central government. और फिर वो central government क्या करेगी, shall cause the annual report and the audit report given by the central government the comptroller and auditor general of india to be laid before each house of parliament। मतलब वो क्या करेगा, जो NFRA है वो annual report देगा अपने accounts की और साथ ही में वो एक copy देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑडिट रिपोर्ट को और एनुअल रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, जो फाइनली हमारा हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल द अमेंडमेंट, एंड आप इस सेक्शन को प्लीज़ अच्छे से रीड करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।